अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का सत्यानाश और इदारों को तबाह किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सेमिनार से खिताब, कहा कि एमपीए से सुना है कि मेरी डीसी क्यों नहीं लगाई गई। हुकूमत संभालने के बाद बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का नजर आया। वसाइल की ज्यादा तादाद करप्शन की नज़र हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर बलूचिस्तान को ठीक करेंगे, मेरिट और एहतसाब को यकीनी बनाएंगे। I'm afraid. और मुझे इतना डर लगता है कि हम किस तरीके से हमने अपने गवर्नेंस का सत्यानाश किया है। आज भी मैंने ये सुना है अपने एमपीएस से, अपने पॉलिटिशियन से, मेरा डीसी क्यों नहीं लगा। सबसे बड़ा चैलेंज मैं लॉ एंड ऑर्डर से और क्लाइमेट चेंज से बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नेंस को समझता हूँ। अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान को ठीक करने की कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। वी विल इम्प्रूव इट एंड वी विल इम्प्रूव इट जॉइंटली। सबसे बुनियादी चीज है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए मेरिट है और अकाउंटेबिलिटी। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट द मोमेंट। अकाउंटेबिलिटी होगी तो मेरिट होगा। ये ब्यूरोक्रेसी और सिविल लीडरशिप जो है इसका इम्बैलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता बलूचिस्तान का आम आदमी, और ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए, इन्होंने पैरेलल चलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।